दोस्तों मीत सीरियल के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा और मीत अलावत जॉन दोनों जाते हैं और नीलम से बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस समय मीत हुड्डा को लग रहा है कि ये नीलम के साथ में जो गलत हुआ है, वो प्रेग्नेंट हुई हैं, वो वाकई में गलत हुई है, क्योंकि नीलम ऐसी नहीं है और नीलम जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नीलम के अभी दो रूप हैं, क्योंकि नीलम वाकई में किसी भी तरीका से तुम लोगों को हानि कभी भी पहुंचा सकती है, और यहाँ तक कि नीलम इतना गंदा करैक्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी मीत अलावत और मीत हुड्डा नीलम के लिए सही चीज़ सोचते हुए ही नज़र आ रही हैं। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से नीलम को एक बार फिर से एक्सपोज कोई और नहीं करेगा, बल्कि इस घर में रहकर मासूम करेगी, क्योंकि मासूम तो पुरानी बदला जरूर लेती हुई नजर आने वाली है बर्फी देवी से, क्योंकि बर्फी देवी को किसी भी तरीका से वो इस घर में देखना ही नहीं चाहती है। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते हैं कि नीलम का जो लैला वाला किरदार है वो लगातार जो कि भारी पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो किस किया है, यानी कि किस भी कर लिया है मीत अलावत को, और मीत अलावत को किस करने के बाद में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस तरीका से लगातार एक से बढ़कर एक सस्पेंस, नए नए सस्पेंस देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में और भी बहुत बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत अलावत नीलम से बोलते हैं कि नीलम तुम्हें मेरे होते हुए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो इसका असली बाप है मैं उसे तुम्हारे कदमों में झुकाऊंगा और मैं तुम्हें एक वाइफ का दर्जा दिलाऊंगा। लेकिन दोस्तों नीलम जो वाइफ का दर्जा पाना चाहती है वो किसी और से नहीं, बल्कि वो वाइफ का दर्जा पाना चाहती हैं खुद मीत अलावत से, और मीत अलावत को लगता है कि उसे उसके बच्चे के सही बाप से मिला देना चाहिए। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज एंड लव यू ऑल ऑफ यू कि आपने मेरी वीडियो को इतना पसंद किया है।